गुजरात की स्मार्ट सिटी वडोदरा का एक इलाका ऐसा भी है जहां परिजन को अंतिम क्रिया के लिए भी ट्रैक्टर पर गुजरना पड़ता है। वडोदरा के तेजी से विकसित हो रहे विमाली में शमशान की ओर जाने वाली सड़क पर इस कदर कीचड़ फैल गया है कि अंतिम क्रिया के लिए ट्रैक्टर के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। साल 2020 में विमाली को वडोदरा महानगर पालिका में शामिल किया गया था, तब से यहाँ पानी जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है और अब सड़क पर पड़े हुए गड्ढे और शमशान की ओर जाने वाली सड़क खस्ता हाल होने से स्थानीय लोगों में रोष का माहौल है। फैसिलिटी वो तो कॉर्पोरेटर को लाएंगे तब पता चलेगा, क्यों इसलिए तो आप भागते फिरते हो, ये आते ही नहीं हो, उनको डर लगता है कि लोग मारेंगे हमको, यही डांट दे गाड़ देंगे, इधर से इधर दौड़ते खोदते, एक जगह रोड तोड़ते दूसरी जगह पाइप डालते वहाँ तीसरी जगह कुंडिया बनाना चालू कर देते, स्ट्रीट लाइट का ठिकाना नहीं है, रोड का ठिकाना नहीं है। अब यहाँ दो तीन दिन में जो डेथ हो गया, यहाँ लाने के लिए श्मशान में जाने के लिए रोड नहीं है, आपने देखा ही ये रोड नहीं है, ट्रैक्टर में ले जाना पड़ता है डेड बॉडी को, साथ में जो लोग आते हो तो जा ही नहीं सकते। नाम मतलब भाई साहब स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ये हमारे कॉरपोरेटर हो गए, स्मार्ट सिटी नहीं है, कॉरपोरेटर स्मार्ट हो गए, वो दिखते ही नहीं है, कहाँ उड़ रहे हैं, कोई कहाँ जाता है पता ही नहीं, खाली स्मार्ट सिटी का पूरे सिटी में तो हम जाते ही नहीं, सिटी की हालत ऐसी है हमको लगता है कि हमें हमारी प्रश्नों रजू करने के लिए आगे जाए, पर हम वहाँ जाके देखते हैं तो वो वहाँ भी हालत वही है। आप कॉर्पोरेशन की इस कामगिरी से नाराज की व्यक्ति, कोई काम ही नहीं कर रहा, वो एक काम है इनका बढ़िया टॉप एडवांस में टैक्स ले लेना, अभी देखो उनके पास सैलरी वगैरह का पैसा नहीं है, ये साल का 2024-25 का रेंट्स वगैरह जो लेना है, टैक्स वगैरह जो लेना है, उसके लिए भी उनको डिस्काउंट स्कीम डालनी पड़ी है कि 20 अगस्त तक भर दो, 5 अगस्त तक भर दो, इतना डिस्काउंट मिलेगा आपको, मतलब पैसा ही नहीं उनके पास, पैसा कहाँ जाता है मालूम नहीं। गुजरात गवर्नमेंट को 1,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ौदा स्मार्ट सिटी के लिए दिया है, कहाँ गया पैसा, कौन खा गया, उसकी जाँच होना जरूरी है। સ્મશાન માં કઈ રીતે જવું એ સવાલ છે પેલો, કાં તો ઉડીને જવું પડે, કાં તો પછી હેલિકોપ્ટર લઈને જવું પડે, એવો પ્રોબ્લેમ થયો છે અત્યારે જો ભાઈ કોર્પોરેટર, અમે લગભગ 6 વર્ષથી આવીશું પણ એક એક કોર્પોરેટર આ વિમાલી ગામમાં જોવા માટે કશું આવ્યું, ભાઈ તમને શું તકલીફ છે, શું પ્રોબ્લેમ છે, આ 6 મહિનાથી ખોતરી નાખેલું છે બહાર, પાઇપ આજે નાખે કાલે બીજા દિવસ બીજો આવે ને ત્રીજો આવે, એમ કરીને ખોતરી નાખે, રસ્તાની એટલી પથ્થરખંડી છે, રોજ 2-3 એક્સિડન્ટ થાય, પડે આખડે હાથ ભાગે પગ ભાગે, એવું કરીને મૂકે નથી, ઠાગર ઠીગર કરતા કશું જ કરતા નથી। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंतिम विधि के लिए शव को पैदल ले जाया जाए ऐसी स्थिति ही नहीं है, क्योंकि यहां घुटने तक धस जाए उतना कीचड़ है और ऐसे में एक बुजुर्ग महिला की अंतिम विधि के लिए शव को ट्रैक्टर ले जाने की नौबत आई। इस मामले में विमाली के पूर्व सरपंच नीलेश पटेल का कहना है कि 10 लाख रुपए का खर्च करने के बावजूद स्थिति जैसी की तैसी है, क्योंकि यहाँ ना नगर सेवक ध्यान देते हैं और ना ही वडोदरा महानगर पालिका के बड़े बड़े अधिकारी। ये पोजीशन है जबकि कॉर्पोरेटर को सब मालूम है, फिर भी वो लोगों ने एक ही बात है, हमको कुछ करना नहीं है, हमको एक बात करना है, फोटो गिराना है और बाद में चले जाना है। कोई छायाबेन खड़की है, फिर रूपलबेन मेहता है, डॉक्टर राकेश शाह है, फिर वो पराक्रम से जाडेजा है, एक दो डंपर रबल मेटल का डाल के जिसका उन लोगों ने 10.5 लाख रुपया खर्चा किया है कर करके, खूब वाह वाह भी कुछ नेता लोगों ने मचाई थी, धूम मचाई थी छोटे छोटे अखबारों में उनके आर्टिकल्स छपवा करके, लेकिन फिर इस बार इस बारिश का मौसम आया तभी हमने विरोध किया था कि इससे प्रॉब्लम हल नहीं होने वाला ये रास्ते का, आप इनको पक्का RCC रोड बना करके दे दो ताकि अगर कोई आदमी मरता है तो इन्हें कोई दिक्कत ना हो, और इस बार भी 2 लोग मर गए, हमने आप पिछले 4 दिन के अंदर 2 ननामी को जाते हुए देखा, इनको काफ़ी दिक्कत हुई है, अब की बार भी ट्रैक्टर्स फंस गए, साथ में चलने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हुई, वो अपनी जान बचा बचा करके किसी की अंतिम यात्रा में वहाँ तक पहुँचे, हमें इस चीज़ का आक्रोश है, हम बार बार कॉरपोरेशन से यही रजूआत करते हैं कि कम से कम आपने पूरे TP1 TP2 के जो विस्तार है वहाँ पर के रोड रास्ते पानी ये समस्या तालाब की समस्या कुछ दूर नहीं की, कम से कम आदमी मरने जा रहा है तो शांति से जाना चाहिए, तो उतना रास्ता तो हमको ठीक से बना करके दे दो,
लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है।